दोस्तों यहाँ आज एक शेर राजा के बच्चे का जन्म हुआ होता है, जिसे देखने सारे जंगल के जानवर दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। एक बूढ़ा बंदर सबके सामने राजा के बच्चे को उठाता है और बताता है कि आज से ये तुम्हारे नए राजकुमार सिम्बा है। सारे जानवर उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सिम्बा को उसके पापा बताते हैं कि देखो सिम्बा, मेरे जाने के बाद इस पूरे जंगल में तुम्हें ही राज्य करना पड़ेगा और तुम्हें उसको हर खतरों से बचाना पड़ेगा। एक दिन सिम्बा खेलते खेलते उसके दोस्त के साथ जंगल के अंदर के इलाके में चला जाता है, जहाँ जाना उसे मना किया होता है। तभी सिम्बा और उसके दोस्त पे लकड़बग्घों का झुंड हमला कर देते हैं। सिम्बा लकड़बग्घों को कहता है कि तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं यहाँ का आगे बनने वाला राजा हूँ। तभी राजा मुफासा का जासूस पक्षी वहाँ आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो कमजोर होता है। छोटे सिम्बा को लगता है कि उसका बचना अब नामुमकिन है। तभी अचानक पीछे से खुद जंगल का राजा मुफासा वहाँ आता है और वो आके उन लकड़बग्घों को मसलने लगता है और उनके रानी को बता देता है कि आइंदा मेरे सिम्बा की तरफ देखने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस घटना से सिम्बा को असली जिंदगी का एहसास हो जाता है।